देखकर किसी को भी ऐसा लगा कि इनके घर का कोई मेंबर था जो पिछले 12 साल से हॉस्पिटल में था। तो ये कमाल है इस लड़की नेहा का। ये नेहा 12 साल बाद हॉस्पिटल से आई है जहां वो कोमा में पड़ी थी। किसी को भी नहीं लगा था कि ये जिंदा बचेगी, लेकिन जब से ये लौट कर आई है तब से उसने परिवार पे ऐसा जादू चलाया है। अब वो जादू उसने कैसे चलाया, क्या करती है वो नेहा, ये तो राजन शाही बता सकते हैं जिन्होंने ये शो प्रोड्यूस किया। लेकिन इससे पहले मैं राजन के हाथ में माइक दूं, मैं आपको इस शो के कुछ प्रोमोस दिखाना चाहता हूं। प्रोमोस प्लीज। तक ये प्रोमो दिखाया है कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रहा। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इस नेहा में है। और सोनी में हमेशा मेरी ऐसे हमेशा ऐसी कोशिश रहती है हमारी कि हम ऐसे किरदार बनाएं जो लोगों के दिलों को छू जाएं। तो कैसे बन गया नेहा का किरदार? इनफैक्ट आई वोंट से मच बिकॉज आई थिंक Rather, you guys watch the episodes. This is the second show we are doing with Sony, and the first one was Kuch Toh Log Kahenge. And I'm very happy and proud that we can touch some subjects. I remember the first meeting around 4 months back. Ajay was there and Viru was there, and they said, "There's any show or a thought in your mind?" So I said, "Ek show, a concept hai." Bhavna has written the concept. I think she's here also. I said, "Ye kya koi channel banayega nahi?" And I don't want to, put my efforts to make this because channels will never understand this kind of a concept because neither is it very dramatic, neither is it very, very, it's not superficial. There's a lot of depth and it's a tricky show. It's not a very easy show to make, produce, or present, or for a channel to make. But just, I think, 2 minutes meeting with Viru and everybody, and they said, and a very good team has come together for this show. A very nice team. All our writers, our creatives, our writers are here. Story Anantika is there, Trishan, Gazala ji, a very good team, creative. Our director Rumesh has set up the show very well. And the music is, I think, one of the soul of the shows. Mohit, Sailesh, and his entire team have done a brilliant job with the music. So, after, see, I'm really enjoying producing this show. Ye ek aisa show hai, the entire team knows that I look forward to reading the episodes. I look forward to coming on the sets, watching the shoot. I go back home, watch the episodes. आई क्राई वेन आई सी दी एपिसोड्स, आई लाफ एट द सेम मिनट। तो इतना ब्यूटिफुल एक टेक्सचर शो का क्रिएट हुआ है दैट इन अ सेकेंड यू विल लाफ ऑल्सो, यू विल स्माइल ऑल्सो। और पूरी टीम का एम्फोसिस, स्पेशली मेरी टीम का एम्फोसिस बहुत अरसे के बाद हुआ है परफॉर्मेंसेस पे, मोमेंट्स पे। एंड आई थिंक लाइक आई डायरेक्टेड जस्सी अराउंड से आई थिंक 8-9 years बैक, एंड रमेश वॉज देयर। आफ्टर दैट आई वॉज बी गेटिंग अ फीलिंग दैट वी वर्किंग ऑन अ डिफरेंट कैरेक्टर, द मोमेंट्स, द अनप्रडिक्टेबिलिटी इज सो ब्यूटिफुल कि टुडे इन टीवी यू नो कि यार नेक्स्ट एपिसोड में यही फ्रीज पॉइंट होने वाला है, ये कैरेक्टर ऐसे ही बिहेव करेगा। एंड दैट क्रेडिट गोज टू द इंटायर क्रिएटिव टीम देयर, दैट दे हैव वर्क्ड वेरी हार्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स एंड द इंटायर एक्टर्स हियर, इन एवरीबडी हैज वर्क्ड वेरी हार्ड, गिवन ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग नेहा पंथी। दैट्स अ न्यू फ्रेज विच इज कॉइंड विद दिस शो। एंड इफ यू अंडरस्टैंड नेहा पंथी, देन आई शुड जस्ट लीव द माइक हियर एंड जस्ट टेक माई कार एंड गो फॉर अ हॉलीडे। It's a philosophy which is so beautiful, and I would rather you watch the show. I would like to request Mr. God. Welcome and thank you so much for coming for this press conference. इतनी सी खुशी एज मेरे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राजन शाही, उन्होंने कहा है कि हम सबके दिल में बच्चा है, और ये हमारी टैग लाइन है, जिसके दिल में बच्चा वही सच्चा है। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं सबके दिल में बच्चा है। सो ऑल आई हैड टू डू इज जस्ट गो बैक व्हेन आई वाज 14, 12, 13 एंड गेट बैक ऑल द मेमोरीज। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल, एंड रोल नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे इतनी सी खुशी की बात करते हैं, जैसे मुझे अभी पता चला कि बाहर छोले भटूरे मिले हैं, अभी आप लोग बाहर जाएंगे लंच खाएंगे, तो मैं एकदम खुश हो गई।
और ये इतनी इतनी सी खुशियों के बारे में हम इस शो के में बात करते हैं. एंड जो लाइफ होती है, हम पूरी अपनी लाइफ गुजार देते हैं एक्सप्लेन करने में, बट नेहा जो है और इस शो का जो मोटो है दैट यू नो लाइफ शुड नॉट बी लिव्ड एज अ एक्सप्लेनेशन बट एज एन एक्सक्लेमेशन. सो इतनी सी खुशी इज दैट. एंड इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मुझे लगता है कि मुझ में भी कहीं नेहा है, तो बस जो दिल में आया वो किया, दिमाग से नहीं, दिल से. हम सब में नेहा है. एग्जैक्टली. सर, आलोक हियर फ्रॉम जी न्यूज. सर, सवाल आपसे राजन सर, कितना अलग बाकी सास बहू ड्रामा से ये शो होगा? कहीं ना कहीं शादी का एक फ्लेवर तो दिख रहा है, धीरे धीरे लव स्टोरी तो दिख रही है हमें, आगे जाके कहीं ना कहीं वो तब्दील होगी, लेकिन सास बहू ड्रामा से थोड़ा सा अलग शो है, तो आप उसके मिस कर रहे हैं? मिस करो. नहीं नहीं, आई लव सास बहू. मैं मतलब मेरी कंपनी शुरुआत ही और चल रही है ऑल दिस फैमिली ड्रामा से. Every press conference, I think everybody, when I say the show is very different, very different. And here also I'll say because it is different, but yes, it is not something so different ki khali 10 log baith ke bole yahan bahut kamal show hai, but it doesn't connect to everybody in India. Philosophy show ki aisi, characters are very real, they are people around you. But the way the script is presented, the way it's acted out and everything, it is different. I mean, that's what I felt the last 10 years, whatever I've done, this show is different. Made specially for a child, you know. So TV shows are reflections of real life, and you never ask ki har ghar mein bachcha kyun hota hai. No, I don't mean that. So har ghar mein bachcha hota hai. If you see that every child, there is like a huge family, and kaka kaki, papa mummy, dada dadi, par dada par dadi, and there is a child also now. Yeah. 2-3 children also. Correct. The story revolves around. So children are like an integral part of every show these days. Every show has at least 2-3 children, kids working. So what is the fascination with kids? Do they also bring ratings? Do they also? No, it's not about rating. That's precisely I wanted to say. We are fascinated with children when they are in our family, in our houses. So when we are making family dramas on television, why exclude children from it? Children are integral part of everybody's life, real life and television life. So children are there, not for the ratings. Children will also watch the show, that means. Could be. Should be. No, I'll, you know, the idea is that when you watch this show, na, there is, see, show ki certain philosophy hai. Like there's a child in everybody. And it's not about her playing just a child. There's a child in every character. In fact, you see Vidyaji's character, everybody has a child. Even if it is that strict grandmother, she has a child within. That we are exploring in this whole entire show, whatever, that the idea, as you grow older, you start acting or behaving as if you become wiser. Aur iske samne ye mat bolo, politically correct ho. The show talks about the philosophy that you can say what you have in your heart. And that childlike innocence, I think, is something which we all appreciate. But somewhere we forget in life. We start becoming correct and doing the right things in life. And that is what the show doesn't, through just one character, talk about being a child. It talks in the entire philosophy of the show, in every character, I feel. Hello?